सिर्फ चार धाम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों में जुटी सरकार यातायात व्यवस्थाओं का ख्याल भूल बैठी है, जिससे डगमगा यातायात व्यवस्थाएं अब मौत को न्योता दे रही हैं। पहाड़ के खतरनाक रास्तों का सफर तय करती यात्रियों से खचाखच भरी बसों की ये तस्वीरें इन दिनों यातायात व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। इन हालातों की वजह चार धाम को निकल पड़ी वो बसें और टैक्सियां हैं जो पहले दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर यात्रियों को उनके मुकाम तक पहुंचाया करती थी, लेकिन चार धाम शुरू होते ही हालात डामाडोल होने लगे हैं। शहर की 19 GMOU बसों में से 26 बसें चार धाम को निकल पड़ी हैं, जिसके चलते ओवरलोडिंग के हालात पैदा हो गए हैं। साथ ही कई यात्रियों को बस टैक्सी ना मिलने से मायूसी हाथ लग रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। कोटद्वार से क्या कहते हैं यहाँ के लिए पहले टैक्सियाँ नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली, उसके बाद वो भी क्या कहते हैं कैसे घुसा घुसा के आए, फिर क्या कहते हैं अभी यहाँ से आगे भरसार जाना है तो कैसे जाएं, एक बस है लास्ट ये बच रही है, इसमें भीड़ ऐसे जा रही है क्या बताएं, बहुत गंदी भीड़, बहुत बुरी हालत है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, बहुत दिक्कत हो रही है सवारियों, बहुत बुरी। ओवरलोडिंग के इस पूरे खेल में सरकार की उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भी पीछे नहीं हैं। यातायात के नियम कानूनों को भुलाकर इन दिनों यात्रियों को ठूस ठूस कर बसों में बेखौफ भरा जा रहा है। वहीं RTO पौड़ी ने भी इन डगमगाए हालातों को स्वीकारते हुए इसकी वजह चार धाम यात्रा को बताया है और समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त बसों की मांग शासन से की गई है। मेरे शिकायत मेरे संज्ञान में है, हमारे एक्टर साहब को मैंने कहा भी है, वो रूट पर चेकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिकता की स्थिति अगर हम देखें तो यह है कि रूट्स की बसों की कमियां बनी हुई हैं और अधिक से अधिक वाहनों की मांग रोटेशन में ऋषिकेश में की जा रही है, जिसकी पूर्ति करने का विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। मार्गों में वाहनों की कमी बनी है, ये एक तथ्य है, और उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बसों का अगर उपलब्धता रोटेशन में हो जाए तो फिर जो हमारी बसें रूट की हैं उनको वापस हम रूट पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देवभूमि न्यूज़ के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।